इस बार फुल एंड फाइनल यार, जानबूझ के आप इटर्नल पे ये, ओ भाई ये लास्ट। 6 घंटे बाद गाइस, काफी कमाल की नींद थी, क्या मस्त सपना देखा मैंने। ओ ये क्या, ओ भाई ये गेमिंग सेटअप किसका है, क्या सेटअप है यार, 6 मॉनिटर। एक सेकंड, इस सेटअप का बीस्ट कहाँ है, वो पीसी कहाँ है, ये रहा गाइस, क्या पीसी है, क्या माउस है, क्या कीबोर्ड है, क्या हेडफोन है, क्या रूम है यार, ये मैं किसके घर में आ गया। ओ यहाँ पे टॉयलेट है, वाओ क्या टॉयलेट है। अबे साले कभी, पर एक सेकंड, मैं किसी और के घर में कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। ओ ये किचन है शायद, और लिविंग रूम भी। ओ एक सेकंड यार, ये एरिया तो मेरा है क्या माइला, ये गाड़ी भी मेरा है। एक सेकंड, ये घर भी मेरा ही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, अचानक से इतना वक्त जज्बात कैसे बदल गया। ओ अच्छा अच्छा, अभी याद आया गाइस, मैंने इस गेम को अपडेट किया, लास्ट वीडियो में मैंने बिना अपडेट किए ही गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यार इस गेम का तो अपडेट भी आया है। एक सेकंड यार, मैं किसी और के घर में क्यों घुस रहा हूँ गाइस। अभी थोड़ी सी शाम हो रही है, फिर से एक बार सो लेते, पूरी सुबह अच्छे से कर लेते, तभी घर के बाहर निकलते। चलो भाई। तो गाइस 6 घंटे बाद, एक सेकंड यार, मैंने तो सुबह सोचा था सुबह हो जाएगी, अच्छा शाम से 6 घंटे बाद रात ही होती है, लग रहा है मेरे को एक और बार सोना पड़ेगा। चल बेटा सिद्धू सो जाए एक और बार। Few moments later. 12 घंटे हो गए यार, अब तो सुबह कर दो यार। ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुबह के 6 बजे, लग रहा है और एक बार नींद। यार कितनी नींद दिलवाओगे यार सिद्धू को, ये तो सुस्त हो जाएगा, फिर मिशन कंप्लीट ही नहीं करेगा। फाइनली 6 घंटे बाद, और ये कड़कती धूप वाली सुबह हो चुकी है। 18 घंटे सोने के बाद फाइनली हम लोग को हमारी सुबह मिल चुकी है, और यार क्या सेटअप है यार, इसको छोड़ के मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा गाइस। तुम लोग को याद है लास्ट ड्यूड थेफ वॉर्स की वीडियो में क्या हुआ था। एक सेकंड, ये क्या चीज है, ओ एक स्विमिंग पूल भी मेरे पास, चलो एक जंप मार ही लेते। ओ ये क्या चीज है यार, पोपट कर दिया मेरा, सोचा नहा धो के घर से निकलता हूँ, पर कोई बात नहीं गाइस, सबसे पहले हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाइस तुम लोग को पता है लास्ट मिशन में क्या हुआ था, हम लोग ने अपना सेकंड मिशन कंप्लीट कर लिया था, और वहीं पे हमारा थर्ड मिशन भी चालू हो गया था, जो कि किरिल के घर पे था। एक सेकंड, किरिल के घर का एड्रेस कहाँ पर है। ओ यार मैप भी पूरा चेंज हो गया है, ये तो मेरे को एकदम GTA 5 के मैप की तरह लग रहा है। एक सेकंड यार, मुझे इसके घर का पता याद तो है ना, ओ शायद ये लाल वाला शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो गाइज अब मैं तुम लोग को पूरी स्टोरी बताता हूँ। अबे साइड से निकल गया यार, बहुत बुरी हालत होती इसकी, स्टंटमैन बनेगा हाँ, स्टंट करने का शौक है। अरे इसका घर तो इतना पास में ही था, मैं फालतू का इधर उधर घूमता था। ओ यार बिना ठुके मेरा ड्यूड थेफ वॉर्स का गेम प्ले कम्प्लीट ही नहीं हो सकता, तुम लोग को तो मालूम ही है। अरे भाई, तो गाइस लास्ट मिशन में क्या हुआ था, हम लोग ने जब अपना सेकंड मिशन कम्प्लीट किया तो हम लोग किरिल के घर पे तुरंत गए, और उसने हम लोग को एक चैलेंज दे दिया, उसने बोला तुम मेरा रेस का रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाओ, मतलब मेरे से कम टाइम में मेरी रेस का रिकॉर्ड कंप्लीट करके दिखाओ। जो रेस उसने अधूरी छोड़ी थी उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पिछले बार तो हम लोग मिशन फेल्ड हो गए थे उसमें, पर कोई बात नहीं गाइस, आज हम लोग केक और ये मिशन कंप्लीट करके रहेंगे। पहले मैप का ये हटा दो, पहुंच गए इसके पास। थैंक्स फॉर द कार, दैट वॉज फास्ट ड्यूड, थैंक यू बोल रहा है पिछले जो हम लोग ने इसको कार ला के दी थी। अरे यहाँ माले में भाई, चल पिछला वीडियो सब लोग ने देखा है ना, और इसने हम लोग को वादा किया था अगर हम लोग ये चैलेंज जीत जाते तो $500 हम लोग को देगा, और इसके लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस आज मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, नहीं आई है। एक सेकेंड, ये गाड़ी कैसे चेंज हो गई, कोई बात नहीं गाइस, मुझे तो लग रहा है ये कार देखने में पहले से ज़्यादा फास्ट है। यार जानबूझ के आप टर्नल पे ये बड़ा सा पत्थर रखा है, मतलब आदमी 99.99% आदमी टकरा ही जाएगा इसमें। तो गाइस मैंने कोई प्रैक्टिस तो नहीं किया इसको खेलने से पहले, पर मुझे बहुत सारे टिप्स मिले हैं जो कि मैंने खुद को दिए हैं। जो जो गलतियां हम लोग ने लास्ट टाइम की थी वो आज हम लोग नहीं दोहराएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने जो सबसे बड़ी गलती की थी कि वो हम लोग बात बात को बूस्ट मार देते थे। सॉरी भाई, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। तो गाइज लास्ट टाइम हम लोग ने क्या गलती की थी कि हम लोग को रास्ता वास्ता तो कुछ पता नहीं था, कहाँ कौन सा टर्न आने वाला है, इसके लिए हम लोग सीधा सीधा भगाते जाते थे, और इसके चक्कर में एकदम ही सीधा निकल जाते थे, फिर हम लोग को वापस से रिटर्न आना पड़ता था, फिर इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था गाइज। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग आराम आराम से चलेंगे, जहाँ पर सीधा रोड रहा वहीं पर हम लोग बूस्ट मारेंगे। खेलो
यार मैं अभी तक नहीं सीखा यार। वैसे आज का तो मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है। गाइस 40 सेकंड बाकी है, अभी रास्ता शायद का थोड़ा लंबा है क्योंकि लास्ट वाला तो मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया था। पता नहीं कितने पे आधे पे या उससे ज़्यादा पे छोड़ा था, पर कोई बात नहीं गाइस, आज हम लोग इसका कंप्लीट करके रहेंगे और ये एक ही बार में कंप्लीट होगा। ओ गाइस यहाँ से शायद थोड़ा, अरे यार यहाँ से हमारी रेस शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी सी और। अरे यार क्यों स्टंट मार रहा है इधर पे, 15 सेकंड, 13, 12, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अरे भाई सलमान खान बाद में बनना। 10 सेकंड, 8, 7, 6, अरे सीधा क्यों चले गया भाई कारखाने। 3 सेकंड भाई, ओ भाई ये लास्ट यार, जस्ट यहाँ आगे किरिल का घर था और वो लास्ट। एक और बार घोर बेइज्जती हो गई गाइस, ये क्या हुआ भाई मैं ठुक कैसे गया, वो भी खड़े खड़े मेरी गाड़ी ने मेरे को ही ठोक दिया। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग एक बार फिर से ट्राई करेंगे इसको, इस बार फुल एंड फाइनल। आई एम बैक टू द रेस, इस बार अपन आराम आराम से जाएंगे। 1, 2, 3, ओ यहाँ पे नहीं ठुकना था, पर कोई बात नहीं गाइस आराम से। इस बार जब भी हम लोग हाई करते तब हम लोग हारते, इस बार अपने को टाइम की कीमत मालूम पड़ गई है। भाई इतना आगे क्यों जाता है यार, 5 लैप और ये 6th lap भी कंप्लीट हो चुका है गाइस, अब टोटल 20 लैप बचे हैं। इस बार तो मैं जीत ही जाऊंगा इस मिशन को। ओके यार अब तक तो तुम लोग को भी मालूम पड़ गया होगा गाइस। गाइस 16 लैप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास अब बचा है 50 सेकेंड। ओके गाइस अब तक तो तुम मुझे याद है कि तुम हम लोग कब आए थे, हम लोग दोपहर का आए हैं और यहाँ पे पूरी रात हो चुकी है। गाइस अब तक तो तुम लोग को पूरा रास्ता याद हो गया होगा, अब तक तो तुम लोग भी मन में बोलते रहोगे क्या इससे चिंदी सा रेस कंप्लीट नहीं हो रहा। पर गाइस इतना ईजी नहीं है, क्योंकि गाइस तुम लोग ने कभी GTA San Andreas खेला है, उसमें भी एक मिशन होता था वो हेलीकॉप्टर वाला, जो कि जिसको वो भी सेम ऐसा ही था भाई। ये तो कार है, वो तो एरोप्लेन था भाई, एरोप्लेन से मेरे को आसमान में सारे लैप कंप्लीट करवाने थे। पर यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस और ये 5 सेकेंड पहले ही गाइस हमारा मिशन हुआ कंप्लीट। चलो बेटा हाँ वो GTA San Andreas का वो एरोप्लेन वाला मिशन कंप्लीट करने में मेरे को 6 महीने लगे थे। Man, that was good. How did you do that? Well, anyway, here is the plan. While I was out trying to get Richie up, ऐसे थोड़ी ना, इसके आगे के लिए चौथे यानी कि चौथे मिशन के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। आज कोई भी लाइक एम नहीं है गाइस, कर दो कितने भी 300-400 लाइक कर दो, हम मिलते सीधा चौथे मिशन में। और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आजकल।